ने सोचा कि इस बार रिपब्लिक डे पे कुछ अलग किया जाए, तो यही डिसाइड हुआ कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, तो हम क्यों ना एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। 7 बार मैंने जो है ब्लड डोनेट कराएगा और कम से कम 5-6 बार मैं ब्लड सेल दे चुका अपनी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुश दिल रहना चाहिए, ब्लड ऑटोमेटिक जो एक हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाता है। लुधियाने की जो रेशो हैगी 200 यूनिट एस्टीमेट हैगा वा कि डेली दी रिक्वायरमेंट है ब्लड डोनेशन दी। जिहड़ा भी डोनेशन देन दे नाल थोड़ा विद इन 12 आवर्स तो 24 आवर्स दे विच ब्लड जिहड़ा थोड़ा पूरा बनना शुरू हो जाता, जिहड़ी वॉल्यूम है वह थोड़ी विद इन 24 आवर और रिप्लेनिश हो जाती है, वो ना कुछ नहीं होंगे जबकि थोड़ी बॉडी पूरी जी है और रीजुविनेट होंगी है। ये एक लाइफ सेविंग एक संजीवनी बूटी का काम करती है कि ताई कहते हैं कि रक्तदान महादान। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त हरदीप दुआ, तुसीं देख रहे हो लुधियाना लाइव। सब तो पहला लुधियाना लाइव के सारे दर्शकों को रिपब्लिक डे दियां बहुत बहुत मुबारकां। स्मार्ट सिटी लुधियाना के लोधी क्लब के ब्लड कैंप लगाया गया जो कि रह रहा सेवा सोसायटी मिल के लगाया गया है। वह आओ गल करते हैं क्लब के मैंबर न। सब तो पहला सत श्रीकाल सर। वेरी सत श्रीकाल जी। सब तो रिपब्लिक डे दियां बहुत बहुत मुबारकां तुहानू, आपको भी और सारे व्यूअर्स को भी बहुत हैप्पी रिपब्लिक डे। की कहना चाहोगे अद ब्लड कैंप बारे? ये लोधी क्लब के अंदर हमने जो कंप्यूटर एसोसिएशन है अपने लुधियाना की, इस एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर, तो हमने सोचा कि इस बार रिपब्लिक डे पे कुछ अलग किया जाए, तो यही डिसाइड हुआ कि रक्तदान सबसे बड़ा दान होता है, तो हम क्यों ना एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाए। लोधी क्लब के साथ कोलैबोरेट करके और रेयर के साथ मिलकर यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया, और उसमें अपने क्लब के मेम्बर्स, हमारी जो कंप्यूटर एसोसिएशन है लुधियाना की, वो सारे डीलर्स, उनके आगे एम्प्लॉइज़, फैमिलीज़ यहाँ पे आके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ब्लड डोनेट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। अभी कितना उत्साह देखा जरा मेम्बरों में? बहुत अच्छा था। कल से हमें कॉलिंग आ रही है कि किस टाइम शुरू होना है, और मॉर्निंग में जैसे हमारा टाइम था उससे पहले यहाँ पे मेंबर्स आए हुए थे ब्लड डोनेट करने के लिए, और अभी भी आ रहे हैं, अभी भी कॉलिंग आ रही है कि रश तो नहीं है। तो अभी अंदर हमने जैसे अरेंजमेंट की हुई है सारी, उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा और काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं अभी हमारे पास। भाजी की कहना चाहोगे? मैं लुधियाना कंप्यूटर एसोसिएशन वालों थैंक्स करना चाहवागा लुधी क्लब के मैंबरस का, रह रहा सेवा सोसायटी का, जिन्होंने सानू सहयोग दिता। बड़ा छोटा जा उपराला असी कीता है 26 जनवरी वाले दिन, लोगों नू समर्पित है ये ब्लड डोनेशन कैंप, और मैं रिक्वेस्ट करांगा सारे जने होम होम आके पहुँचो। ऑलरेडी काफ़ी रश है अंदर, बट फिर भी असी उन्हूं बड़े मैनेज तरीके नाल रह रहा सेवा सोसायटी नाल मिल के बड़ा वधिया ढंग नाल असी उन्हूं चला रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा उत्साह है साडे मैंबरस दे विच। सर की कहो? पहले तो 26 की सबको बधाई। अंदर 11 to 4, 4 o'clock तक हमारा कैंप चल रहा है। मैं कहूँगा सबको आए, वेट ना करें किसी की, प्लीज़ आए। सर थोड़े हाथ से सर्टिफिकेट दिता दिखाया जा रहा है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डोनर का, की कहना चाहोगे उस जो ब्लड दिता है वह किन्नी बारी हूँ तक तुम दे चुके है, और यूथ की मैसेज देना चाहिए? सबसे पहले तो मेरा मैसेज कि गणतंत्र दिवस की पूरे समस्त देशवासियों को, लुधियाना वासियों को, पंजाब वासियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, जैसे मेरे दोस्तों ने सब ने कहा है कि भाई ये एक एस हमारा ग्रुप है अपना एसोसिएशन कंप्यूटर एंटरप्रेन्योर, ये हम टाइम टू टाइम लगाते रहते हैं कैंप इस तरीके से, पहले भी लगाए हैंगे, अभी लगा रहे और आगे भी लगाते रहेंगे, और हमेशा एस के हर मेम्बर की सपोर्ट होती है बढ़ चढ़ के। इवन के मतलब मेंबर नहीं, अपने मेंबर नहीं, जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उत्साह के साथ आते हैं और डोनेट करते हैं। मेरा जो है 7 बार मैंने जो है ब्लड डोनेट कराएगा और कम से कम 5-6 बार मैं ब्लड सेल दे चुका अपनी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मन साफ रहना चाहिए इंसान का, शुद्धि होनी चाहिए मन के अंदर, तरोताज़ा, खुश दिल रहना चाहिए, ब्लड ऑटोमेटिक जो एक हफ्ते के अंदर रिकवर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जो भी यूथ है, ज़्यादातर जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, बहुत ही जरूर। सर ब्लड डोनेट करने की बेनिफिट्स? देखो ब्लड डोनेट करना एक तो बॉडी जी थोड़ी जी हल्की हो जाती है, और साडे जिहड़े बॉडी के ऑर्गनस ने फ्रैश हो जाते हैं, और मैं तो कहांगा रिक्वेस्ट करांगा सारे लुधियाना वासियों नू जिहड़े भी बाइट्स साडी सुन रहे ने, वध चढ़ के इनू अगे आओ और ब्लड डोनेट जरूर करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो। मेरे नाल रह रहा सेवा सोसायटी तो सेखो साहब कैरो साहब भी ने,
और ये भी तुहानू दसणगे क्योंकि ये रेगूलर काफ़ी टाइम तो ये उपराले कर रहे हैं और मैं कहांगा ये दो मिनट दसण भी असी ब्लड डोनेट करके होर की ज़्यादा जिंदगियां बचा सकते हैं और उस तो अलावा असी अपनी जिंदगी भी किवें फ्रैश कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी। ब्लड डोनेशन जिहड़ी ब्लड डोनेशन की एज हैगी 18 तो 65 साल हैगी है तो 45 मिनीम वेट हैगा वा 45 तो उपर जिहदा वेट हैगा वा हैल्दी आ कोई मेडिसिन नहीं चलती वो ब्लड डोनेट आराम ना कर सकता वो हैल्दी डोनर आ। ब्लड डोनेशन की कैंप की बहुत जरूरत आ अपनी सोसाइटी नू। थैलासीमिया बच्चे एक्सीडेंट केसिज डिलीवरी केसिज हार्ट सर्जरीज होर काफ़ी बीमारियों के ब्लड की लोड़ पैंदी आ। सो ब्लड की डोनेशन बहुत जरूरी ने। लुधियाने की जो रेशो हैगी 200 यूनिट एस्टीमेट हैगा वा कि डेली की रिक्वायरमेंट आ ब्लड डोनेशन की तो उस उन्हें डोनर्स नहीं डोनेट कर पाते तो सो करके कैंप लगाए जाते हैं। मैं सारे क्लब मैंबरस का थैंक्स करता वा कि जिन्होंने उपराला किया तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करवाया तो जिन्या भी डोनेशन होनगियां सारिया सिविल हॉस्पिटल ब्लड बैंक डॉक्टर गरेवाल आए हुए ने तो सिविल हॉस्पिटल के सारिया ब्लड डोनेशन दित्तियां जाणगियां। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम डॉक्टर जी एस गरेवाल है जी। मैं ब्लड बैंक सिविल हॉस्पिटल लुधियाना रिप्रजेंट करदा। तो मैं पहला तो बहुत शुक्रगुजार हाँ कंप्यूटर सिस्टम्स का जिन्होंने ये ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया इन कोलैबोरेशन विद रहरा सेवा सोसाइटी एंड लोधी क्लब। मैं खुद भी लोधी क्लब का मैंबर हाँ और मैं खुद जिमें कि भाई साहब ने भी दसिया कि मैं खुद भी 12-14 बार अपना ब्लड दे चुका और ये कोई खास किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। जोड़ा भी डोनेशन देने थोड़ा विद इन 12 आवर्स तो 24 आवर्स के ब्लड जो थोड़ा पूरा बनना शुरू हो जाता जी वॉल्यूम है वो थोड़ी विद इन 24 आवर और रिप्लैनिश हो जाती है। वो कुछ नहीं होंगे जबकि थोड़ी बॉडी पूरी जी है वो रीजुविनेट होंगी है मतलब सारे बॉडीज थोनों जो इन फ्यूचर है जिमें ल्यूकीमियाज है ब्लड कैंसर है ये होने के चांसिस बहुत घट होंगे है। उस तो इलावा जो सा जो ब्लड है जो तो पहुँचता है वो जिमें जानते हो कि साढ़े को जी मोस्ट जी पापूलेशन है वो बहुत लोअर तबके की पापूलेशन आती है जी कि माइग्रेटरी पापूलेशन चाहे को ईवन साढ़े न अदर हॉस्पिटल अलाइड ने जिमें ESI है ज होर है वो सारा जो ब्लड है यू ही जाता ज़्यादातर साढ़े 300 तो 400 यूनिट सिर्फ कल्ले ही मदर एंड चाइल्ड यूनिट्स यूटिलाइज होंगे है और तुम सोच सकते हो कि जी डिलीवरी लिए आते हैं कईयों के बहुत ही ज़्यादा घट ब्लड होंगे ये एक लाइफ सेविंग एक संजीवनी बूटी का काम करती है कि ताई कहते हैं कि रक्तदान महादान। तो मैं यही गल करना सारे वीर जिन्हों की एज तो भैनों जिन्हों की 18 ईयर्स एंड अबव है वो अपना ब्लड डोनेशन के वो जो सहयोग देन ताजो बहुत सारिया जीवन जी है वह बचाया जा सके। इस तो इलावा ये एक्सीडेंट्स और थोड़ा की कहते हैं थैलेसीमिया के बच्चे साढ़े को बहुत ने और डिफरेंट हॉस्पिटल्स भी वो है ने। मैं कला ये नहीं कहता सारे जगह पूरे पंजाब ने यह सारा उन्होंने हैल्प लिए ही जाता है जो ब्लड है। तो मैं सारे ये अपील ही कराँगा कि अपना वो तो वो योगदान पाया जाए। सो दोस्तों अस करते हैं कि सा तो प्रोग्राम बहुत ही वीडियो लगे गया लुधियाना लाइव के पेज में लाइक करो सबसक्राइब करो प्रोग्राम वीडियो लगे सो प्लीज शेयर जरूर करो। सो कैमरा परसन हरजीत के नाल हरदीप दुआ दो इजाजत धनवाद और जुड़े रहो लुधियाना लाइव।